हेलो गाइस, मैं हूँ रवि कुमार वर्मा और आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि टॉयलेट में लेटरिन बाथरूम कैसे लगाया जाता है। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि ये टॉयलेट में हमने ये 600x600 mm की खिड़की लगा रखी है। देखो, आपको मैं टेप लगा कर दिखा देता हूँ। देखो ये दोस्तों, एल्यूमिनियम ग्लास की विंडो है, इसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। अगर अपन इसको टॉयलेट बाथरूम में लगाते हैं तो आपको इसकी साइज़ दिखाई दे रही होगी। ये दोस्तों 600x600 mm, लेकिन इसका डोर फ्रेम लगाने के बाद में दोस्तों ये कुछ रिडक्शन हो गई, कम हो गई। अब मैं आपको इसका डोर की साइज़ भी बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों डोर है इसका 750 mm, मतलब 2.5 फुट चौड़ा है और लंबाई 7 फुट है इसकी, मतलब 84 इंची होगी। आपको दिखा देता हूँ अभी मैं। ये देखिए दोस्तों, 750 mm दिखाई दे रही होगी। ये देखो दोस्तों, 750 mm, 2.5 फुट इसका गेट चौड़ा है और इसकी लेंथ भी दिखाई दे देगी आपको। ये देखो 2.5 फुट चौड़ा है, 2 फुट 6 इंची। ये हमारे पास में 4 टॉयलेट है, 4 टॉयलेट की सेम लेंथ है, राइट है। ये 3rd नंबर का टॉयलेट, लास्ट नंबर का टॉयलेट है। इसकी देखो 750 mm है, मतलब 2.5 फुट, मतलब 2 फुट 6 इंची, ऊपर भी दे सकते हो, मतलब 30 इंची, और जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा अपना आपको साइज दे सकते हो। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसकी हाइट बताई है, हाइट आपको दिख रही होगी 80 इंच, मतलब ये 2021 मतलब 7 फुट। ये 7 फुट हाइट है दोस्तों दरवाजे की। इसमें टाइल लगाने के बाद में ये कम हो गई। ये देखो दोस्तों, ये दोस्तों गेट है अपना एल्यूमिनियम ग्लास का, एल्यूमिनियम का गेट है, एल्यूमिनियम सेक्शन में। ये देखो सामने वेंटिलेशन दिख रहा है आपको, 600x600 mm का। ये हमने 4 लेटरिन बाथरूम बना रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 2.5 फुट चौड़ा और 7 फुट लंबा गेट है और एल्यूमिनियम का गेट है। देखिए दोस्तों, टाइल वाइल सब लगा के हमारा